हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, अगर आपका उम्र 18 साल से कम है, आप माइनर हैं और आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ताकि आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वर्चुअल डेबिट कार्ड सब कुछ आपको तुरंत मिल जाए और आप अदर यूपीआई एप्लीकेशन भी यूज कर पाए जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, तो आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफी मस्त होने वाला है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम एक ऐसे बैंक के बारे में बताने वाले हैं जिसमें माइनर आराम से अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। यहाँ पर ना ही आपको पैन कार्ड देने होते हैं और ना ही आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट देने होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको केवाईसी कंप्लीट करना ही नहीं है, ना ही आपको ब्रांच जाना है और ना ही आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना है। मतलब कि विदाउट केवाईसी ही आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको तुरंत अकाउंट के डिटेल सब कुछ आपको मिल जाएगा। वीडियो आज का ये काफी मस्त होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन के बारे में। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कौन सा एप्लीकेशन है, तो आपको बता दें कि FYP पेमेंट्स ऐप जो है ये यस बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तुरंत आपको अकाउंट्स के डिटेल सब कुछ आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम ये बैंक की तरह ही है, सिर्फ आपको यहाँ पर में पासबुक और चेकबुक की फैसिलिटी नहीं मिलती है, बाकी बैंक में जितने बेसिक फीचर्स मिलते हैं वे सारे बेसिक फीचर्स आपको FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन में आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंट मिल जाएंगे। यहाँ से आप कहीं पर भी रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आपको अपना UPI ID भी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही यहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर भी इंस्टेंट मिल जाते हैं, IFSC कोड भी आपको इंस्टेंट मिल जाते हैं। आप यहां पर FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन, मतलब ये एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो ये तो आप यूज कर ही सकते हो। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम कोई अदर UPI एप्लीकेशन यूज करें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, तो आप उन सब का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन में आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन के माध्यम से यस बैंक में किस तरह से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से आपको ये FYP पेमेंट्स ऐप आपको डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपको यहां से ये FYP पेमेंट्स ऐप आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां से आप नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद फिर यहां से नेक्स्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट का। आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जो भी मोबाइल नंबर आप इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ से गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आप अपना OTP कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर OTP नहीं जा रहा है तो आप उसको यहाँ से रिसेंड भी कर सकते हैं। अपना OTP एंटर करके यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है और फिर इसके बाद आपको यहां से कंटिन्यू करना है। भी आपका फर्स्ट नेम होगा, आप अपना फर्स्ट नेम यहां पर एंटर करेंगे और लास्ट नेम यहां पर। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा आप अपना ईमेल आईडी यहां पर एंटर करेंगे और इसके बाद यहां से कंटिन्यू। आपको अपना KYC कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के डिटेल एंटर करना होगा। इसके लिए आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड के नंबर होगा आप अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी आपका नेम होगा आप अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से भी च्वाइस कर सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे। अपना जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका जेंडर होगा से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आप अपना एड्रेस यहां पर फिल करेंगे, जैसे कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और जो भी आपका पिन कोड होगा आप अपना पिन कोड यहां पर एंटर करेंगे। फॉर्म को कंप्लीट फिल करके यहां से कंटिन्यू करेंगे। यहां पर कंटिन्यू करेंगे, आपके आधार कार्ड जो भी मोबाइल नंबर के साथ लिंक होगा उस पर में एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। आप अपना OTP कोड यहां पर एंटर करेंगे और इसके बाद यहां से वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट यहां पर सक्सेसफुल क्रिएट हो जाता है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आप अपना रेफरल कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू। अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो आप यहाँ से इसको स्किप करेंगे। इसके बाद FYP पेमेंट्स के तरफ से आपको कई सारे कैशबैक ऑफर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं। आप अपना कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या ऑफर्स मिलेंगे, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब नीचे में यहाँ पर आपको एक डेट्स ग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए FYP पेमेंट्स की तरफ से जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके आपको कुछ चार्जेस भी पे करने होंगे जो कि 99 रुपीज़ हैं। ऊपर में यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक मिलते हैं, इसे आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसे आपको अलाउ करना होगा। इन दोनों बॉक्स में आपको टिक लगा देना है और इसके बाद यहाँ से अलाउ करेंगे। इसके बाद आप फाइनली FYP पेमेंट्स में साइन अप हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके इस अकाउंट में जितना भी बैलेंस रहेंगे वे बैलेंस यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से आप अपने इस अकाउंट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं और यहाँ से कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आता है जिससे आप कहीं पर भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और यहाँ से DTH वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अपने इस अकाउंट के डिटेल देखने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक ऐड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपके अकाउंट के पूरा डिटेल यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर आपके अकाउंट में जितने भी बैलेंस रहेंगे वे यहाँ पर, साथ ही डेबिट कार्ड के माध्यम से, UPI के माध्यम से आप अपने इस अकाउंट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके अकाउंट की पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर, और जो भी आपका IFSC कोड रहेगा वे IFSC कोड यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो आप कोई अदर UPI एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि Google Pay, PhonePe, PayTM वगैरह। तो यहाँ पर देखिए Google Pay, PhonePe, PayTM का भी ऑप्शन दिया गया है। आप इस डेबिट कार्ड को Google Pay, PhonePe या फिर PayTM पेमेंट्स बैंक में ऐड करके यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन के माध्यम से यस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंस्टेंट आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाते हैं। आप FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन मतलब कि ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है तो आप इसको तो यूज कर ही पाओगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम कोई अदर UPI एप्लीकेशन यूज करें, जैसे कि Google Pay, PhonePe, PayTM वगैरह, तो जब आप Google Pay या फिर PhonePe या फिर कोई भी UPI एप्लीकेशन में आप जाएंगे बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए, तो वहां पर आपको सर्च करना है यस बैंक। आपको FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन नहीं सर्च करना है, आपको क्या सर्च करना है, यस बैंक। जैसे ही आप यस बैंक सर्च करोगे तो आपका अकाउंट तो पहले से ही यस बैंक में ओपन हो ही जाता है FYP पेमेंट्स एप्लीकेशन के माध्यम से। तो वहां पर आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा और यहां पर जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है, इस डेबिट कार्ड को आप किसी भी UPI एप्लीकेशन में ऐड करके आप ये UPI एप्लीकेशन यूज कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल है तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ना दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।